तरह से महादेव की कलश शोभा यात्रा निकाली। आप देख सकते हैं गुमित्तेश्वर महादेव के मंदिर से निकला हुआ पूरे शहर में और जौनपुर में जिस तरह से भक्तों का जनसैलाब देखने मिला, भक्त लगातार भक्त महादेव की अर्चना करते हुए और भव्य शोभा यात्रा देख सकते हैं तस्वीरें। ये बताइए, सावन का पर्व चल रहा है, ऐसे में गुमित्तेश्वर महादेव पे कलश यात्रा निकाली जा रही है, यहाँ से यात्रा कैसी निकाली जा रही है, कहाँ तक जाएगी? ये जो कलश यात्रा निकाली जा रही है ये सावन मास कल से आरंभ हो रहा है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है जिसके उपलक्ष्य में आज ये कलश यात्रा जो निकलेगी वो गुमित्तेश्वर महादेव के सानिध्य में आगामी एक सप्ताह तक शिव महापुराण की कथा होगी, जिस कथा के संदर्भ में आज कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये कलश यात्रा भगवान बाबा गोविंदेश्वर महादेव की परिक्रमा करते हुए पुनः इसी स्थान पर पूर्ण हो जाएगी। सर, भक्तों से क्या कहना चाहेंगे भक्तों से? ये जो गोविंदेश्वर महादेव हैं ये अपने आप में एक जागृत स्थान है, यहाँ पर जो कोई भी अपनी मनोकामना लेकर के आता है भगवान गोविंदेश्वर महादेव उनकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। यहाँ जो भक्तों की श्रृंगार की दैनिक श्रृंगार की जो टोलियाँ हैं, जो टीम है, वो टोली के लोगों ने जन कल्याणार्थ ये श्रीमद् भागवत ये श्री महापुराण का आयोजन किया है जिसकी कलश यात्रा निकल रही है। इसमें सभी लोग तन मन धन से अपना भरपूर सहयोग देकर के बाबा गोमतेश्वर महादेव की सावन मास के पवित्र महीने में भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त करें। महाराज जी, सुरक्षा की अगर बात करें, सुरक्षा किस तरह से इंतजाम किया गया प्रशासन? सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप प्रशासन के बहुत से जवान दिख रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन के जवान लगे हुए हैं यहाँ पर भी हैं, और रास्ते में मैं आ रहा था तो मैंने देखा मार्ग में भी 400 चौराहे पर भी और उल्लंघन चौराहे पर भी मैंने सुरक्षा के अच्छी व्यवस्था सरकार की तरफ से देखी है, जो जिला प्रशासन के लोगों ने अच्छी संख्या में पुलिस बल तैनात कर रखे। क्या नाम है महाराज जी? डॉक्टर रजनीकांत द्विवेदी।